हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में सेवंथ क्लास में हम चैप्टर 7 ही पढ़ेंगे, जिसका नाम है वचन। वचन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। ठीक है, नंबर वचन आज हम पढ़ेंगे। क्या होते हैं वचन? देखिए बेटा, वैसे तो आप सभी को पता है, जैसे कि जो भी हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, ठीक है, संज्ञा शब्द कोई भी हो, जब उसका एक या अनेक होने का पता चले, कोई भी संज्ञा शब्द, मान लो मैं लिखूं लड़का, पुस्तक, पुस्तक बाद लिखो कक्षा, या लिखो फूल, ये जो मैंने शब्द लिखे हैं, ये सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, अब आपको ये जो शब्द लिखे दिख रहे हैं, इनके लिखे हुए रूप से आपको पता चल रहा है कि ये एक है। ठीक है, जैसे मैंने मैंने बोल दिया अमन लड़का, ठीक है, तो अमन लड़का, अमन का नाम ले दिया, उसके साथ लड़का बोल दिया। लेकिन बहुत ज्यादा लड़के हो, बहुत ज्यादा लड़के हो तो हम क्या बोलेंगे, लड़के ही तो होगा ये लड़के। अब इस संज्ञा शब्द से एक लड़के का पता चल रहा है, इस संज्ञा शब्द से बहुत सारे लड़कों का पता चल रहा है। ऐसे ही पुस्तक, पुस्तकें, कक्षा, कक्षाएं, फूल, फूलों, ठीक है, इस तरह। अब मान लो ये जो हमारे संज्ञा शब्द है, ये एक वचन है और ये क्या है, बहुवचन। कि कोई भी संज्ञा शब्द हो, उस संज्ञा शब्द से उसके एक या अनेक होने का पता चले, वो क्या है, हमारे वचन। ठीक है, अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। जिन संज्ञा शब्दों से उसके एक होने का पता चले एक वचन, जिन संज्ञा शब्दों से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले वो बहुवचन। ठीक है बेटा, यही। अब आप ये पता लगाओगे कि एक वचन और बहुवचन पता आराम से चल जाता है। कई बार क्या होता है कि वचन की पहचान किन किन से होती है? संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्द से और क्रिया शब्द से। अब देखिए, संज्ञा शब्द क्या है, यहाँ ये सारे संज्ञा शब्द है, इन ये संज्ञा शब्द से पता चल रही है ये एक वचन है, बहुवचन है। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्दों से वचन की पहचान। ठीक है, अब इसमें बताया है कि सर्वनाम शब्द से, सर्वनाम मान लो मैं अपने नाम की जगह मैं बोलूं मैं, ठीक है, अपने सर्वनाम शब्दों में क्या हो गया, जैसे मैं अपने लिए बोलती हूँ, ये एक शब्द है मैं बोलूं भाई मैं जाऊंगी, और अगर मैं अपने लिए अगर हम शब्द का प्रयोग करूं तो ये हम का बहुवचन, सॉरी मैं का बहुवचन, हम, मैं का बहुवचन क्या है, हम। ये कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द, तो सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन रूप में होते हैं। ऐसे ही क्रिया शब्द, जैसे क्रिया कोई भी शब्द लेते हैं हम, ये कैसे शब्द है, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान। ठीक है, ये हो गया सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान। अब क्रिया शब्दों से वचन की पहचान कैसे होगी, ये देखिए, क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्दों से वचन की पहचान कैसे होगी। क्रिया शब्द आया, जैसे कि बच्चा आया, ठीक है, अब आए कर देंगे तो क्या होगा, आए शब्द क्रिया का बहुवचन है, आया एक, आए बहुत सारे, क्रिया शब्द का बहुवचन ये होगा, गया, गए, गया तो एक होगा, जैसे बच्चे गया होता है, बच्चे गया, बच्चा गया, बच्चे गए, तो ये क्रिया शब्द के एक वचन और बहुवचन है। इन तीन संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से और क्रिया शब्दों से वचन की पहचान की जाती है। ठीक है बेटा, अब कई बार क्या होता है कि
सम्मान के लिए, अभिमान के लिए जो हम है कई बार बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी आप किसी टीचर का नाम लेते हो, कोई भी मान लो नाम भी नहीं लेते तो आप ये बोलते हो मैडम आ गई, आ रही है। है बोलते हो या है होता है बेटा वो। किसी भी अपने बड़ों के लिए जब हम है का प्रयोग करते तो है नहीं होता, है होता है, बिंदी होती है कि प्रिंसिपल मैडम आ रही है, आ रही हैं। हैं का मतलब कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं तो वो एक ही, ठीक है। प्रधानमंत्री जी आ रहा, प्रधानमंत्री तो एक ही होता होगा ना बेटा, होता है ना, प्रधानमंत्री आ रहा है ये बोलते हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत सारे थोड़ी ना है, एक ही। लेकिन हम उनको सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। अब जैसे चाय, ये जो लिक्विड चीजें होती है, जो तेल, चाय, पानी, दूध, इस तरह की, ये हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। और जो हमारे ठोस चीजें जो होती है, सोना, बहुत सारी चीजें होती है, कई चीजें हमेशा एक वचन में और कई बहुवचन में होती है। ऐसे ही जैसे कि हमेशा बहुवचन में कौन से होते हैं, आंसू, दर्शन, जैसे हम बोलते हैं ना भाई, हम कभी ये बोलते हैं मेरा बाल झड़ रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि एक बाल कभी भी नहीं टूटता, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमें दर्शन हो गए, दर्शन हो गया नहीं बोलते, हमें भगवान के दर्शन हो गए। गए क्या होता है ये देखिए, गए क्या है, बहुवचन है ना, लेकिन हम भगवान क्या हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, तो हम उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही बेटा ये बस वचन का आपका यही था थोड़ा सा, कि जब हम संज्ञा शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से वो वचन कहलाते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से उसके एक होने का पता चले एक वचन, जिन संज्ञा शब्दों से उसके एक से अधिक होने का पता चले वो बहुवचन। वचन किसे कहते हैं, वचन के दो भेद हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये आपको बता दिया मैंने कि किन किन शब्दों से वचन की पहचान होती है, ठीक है। अब चलिए हम इसकी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। चलिए बेटा अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 61 से एक्सरसाइज शुरू है और ये 64 तक है, ठीक है बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाओ। चार शब्द दिए हुए हैं और एक उनमें तीन बहुवचन है और एक एक वचन है, जो एक वचन है उस पर गोला लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट का आंसर है विधवा, सेकंड सूरज, थर्ड चाकू, फोर्थ बोली और फिफ्थ बात। ये एक वचन शब्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार शब्द फिर दिए हुए हैं और अब की बार हमें इसमें बहुवचन पर गोला लगाना है, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट है प्रजाजन, सेकंड गाथाएं, थर्ड चाबियां, फोर्थ रितुएं, फिफ्थ कांटे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। वचन बदलने शब्द दिए हुए हैं, चरखा चरखे, मिठाई मिठाइयां, छात्र छात्रगण, चाबी चाबियां, शाखा शाखाएं, गोला गोले, दवाइयां दवाई, गुरुजन गुरु, वधु वधुएं, घड़ी घड़ियां, जाला जाले, युवा वर्ग युवा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाक्यों को पढ़कर उनके वचन लिखो। घोड़ा घास चर रहा है, घोड़ा एक ही वचन है। पिताजी घर आ गए, पिताजी एक एक के लिए तो बोलते हैं, पापा एक ही तो होते हैं, एक वचन। लेकिन गए शब्द को देख के आप इसको बहुवचन मत कर देना, वो हम आदर सम्मान के लिए गए शब्द आया हुआ है, ठीक है। हमें संज्ञा शब्द देखना है, पिताजी तो एक वचन। लड़कियों ने गाना सुनाया, लड़कियों बहुवचन। वे सब खेल रहे हैं, वे, वह होता, वह का बहुवचन होता है वे, तो वे है बहुवचन। नदी कलकल करती हुई बह रही है, एक वचन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे करो। तूफान से पेड़ की डैश टूट गई, डाली शब्द दिया हुआ है, पेड़ की डालियां टूट गई। सेकंड, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों डैश का संगम स्थल इलाहाबाद है, ब्रैकेट में शब्द है नदी, तो गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम। थर्ड है, गुरुजी ने सभी डैश से कहा, डैश ब्रैकेट में दिया हुआ है छात्र, तो गुरुजी ने सभी छात्रों से कहा। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। फिफ्थ का फोर्थ, विभा अपने डैश में सो रही है, डैश में सो रही है,
तो ब्रैकेट में है कमरा कमरे। फिफ्थ है डैश में जल भर लाओ लोटा लोटे में। सिक्स्थ इस डैश की पत्तियां बहुत सुंदर है पौधा इस पौधा की नहीं पौधे की इस पौधे की। सेवंथ राजमहल में बड़े बड़े डैश की सभा हो रही थी विद्वान शब्द है ब्रैकेट में बड़े बड़े विद्वानों की। क्वेश्चन नंबर सिक्स है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। ठीक है बेटा इसमें जो आपको वर्ड गलत लगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसको सही करना है। सोने चांदी के आभूषण बहुत महंगा है महंगा नहीं महंगे हैं। गायक सेकंड है सिक्स्थ का सेकंड गायक ने गाना गाए राइट आंसर होगा गायक ने गाना गाया। थर्ड वाहनों से प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं वाहनों से प्रदूषण बढ़ते जा रहे नहीं बढ़ता जा रहा है। फोर्थ चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं पे बिंदी है बेटा यहाँ और चिड़िया शब्द बिना चंद्र बिंदु के तो हम उस चिड़िया को चंद्र बिंदु लगा के उसको बहुवचन बनाएंगे चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। फिफ्थ है पिताजी आराम कर रहे है लिखा हुआ है की जगह उस पे बिंदी आ जाएगी पिताजी आराम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। पहला है बालिका चित्र बना रही है रंगीन शब्द है बालिका तो इसका हम वचन बदलेंगे बालिकाएं और है जो राष्ट्र में वो हैं हो जाएगा बालिकाएं चित्र बना रही हैं। सेकंड है मक्खियां भिन भिना रही है रंगीन शब्द है मक्खियां तो मक्खियां का वचन बदलेंगे तो मक्खी और जो है वो है हो जाएगा मक्खी भिन भिना रही है। थर्ड पुस्तक बहुत पुरानी है पुस्तक का हमें वचन बदलना है पुस्तकें तो है का हो जाएगा हैं पुस्तकें बहुत पुरानी हैं। फोर्थ मछलियां तालाब में तैर रही हैं तो यहाँ मछलियां दिया हुआ है तो उसका वचन बदलना है मछली और हैं का है हो जाएगा मछली तालाब में तैर रही है। फिफ्थ खेत में गायें चर रही है गायें इसका वचन बदलना है तो गायें का हो जाएगा गाय खेत में गाय चर रही हैं का हो जाएगा है। सिक्स माली ने फूलों की माला बनाई माला का वचन बदलना है मालाएं माली ने फूलों की माला बनाई ई जो लास्ट में दिया हुआ है उसमें बिंदी आ जाएगी और माला का मालाएं। सेवन पतंगे उड़ रही है पतंगे का हमें वचन बदलना है पतंग है का फिर है हो जाएगा पतंग उड़ रही है। यहाँ पर बेटा देखिए आप ये देखिए ये जो है ये एक वचन के लिए है ये है बहुवचन के लिए। अब देखो पतंग पतंग शब्द है पतंग के साथ में क्या आएगा उड़ रही है अगर पतंगे आ जाए पतंगे तो वो ये है के साथ में आएगा ये बिंदी वाला जो है ये बहुवचन के साथ ये बहुवचन हो गया और ये हो गया हमारा एक वचन। ठीक है ये याद रखना बिना बिंदी वाला एक वचन के लिए और बिंदी वाला बहुवचन के लिए। क्वेश्चन नंबर एट देखिए नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द दिए हुए हैं पहले हमें उनके वचन बदलने हैं कली कलियां सेना सेनाएं आंखें आंख फूल फूलों चिड़िया चिड़िया छात्र छात्रों। अब ये मैंने वचन बदल दिया आप इनके वाक्य कोई भी बना सकते हो जैसे कली से कलियां अब कलियां शब्द आपका वाक्य में आना चाहिए जो हमने वचन बदला है जैसे फूलों की कलियां खिल गई सेना सेनाएं दोनों सेनाएं खड़ी हैं आंखें आंख मेरी आंख में कुछ गिर गया फूल फूलों वाह इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है चिड़ियां चिड़िया चिड़िया उड़ गई छात्र छात्रों इस बार छात्रों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। अब आता है बेटा एमसीक्यूज है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज मतलब एमसीक्यूज में क्या है सही शब्द पर जो आपका प्रश्न दिया है उसके लिए जो सही शब्द है उसको हमने राइट करना है। वचन के भेद हैं पहला है एमसीक्यूज वचन के भेद हैं एक वचन और बहुवचन। सेकंड है एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्दों का रूप कहलाता है वचन आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बहुवचन। फोर्थ वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता अमित बेटा किसी का भी नाम हो तो उसका बहुवचन नहीं बनता है ठीक है
जैसे मान लो एक अमित ही दिया हुआ है, अमित किसी का नाम है, और अमितों थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। जैसे दिल्ली शब्द है, दिल्लो थोड़ी बोलेंगे, दिल्ली आई थोड़ी बोलेंगे। तो जो हमारे नाम वाले शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द, उनका नाम जो होते हैं किसी शहर का या किसी पर्टिकुलर नाम हो, तो उनका हम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं उनका वचन नहीं बदला जाता है। देखिए फिफ्थ, इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, सत्य जनता। सिक्स्थ, इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, प्राण हस्ताक्षर। आंख का बहुवचन है आंखें, बहुवचन का उदाहरण नहीं है कली। एक वचन का उदाहरण है सूरज, एक वचन का उदाहरण नहीं है घंटियां। गीता और रमा बाजार डैश वाक्य को पूरा करो गई। मनीष और विजय विद्यालय जा रहे हैं। 13, माँ ने समोसा बनाया, सभी छात्रों ने मिलकर नाटक में भाग लिया। 15, अध्यापिका हिंदी पढ़ाती हैं, यहाँ पर आएगा बिंदी वाला हैं, ठीक है बेटा। ये आपकी 7th चैप्टर की एक्सरसाइज थी, ये कंप्लीट हो गई है। आपको मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी, तो आप इसकी एक्सरसाइज उस पीडीएफ से देख के अपनी बुक को फिल करिए। अगली क्लास में मिलते हैं अपने नए काम के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस।